हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकाज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों स्पेशल समर ड्रिंक, जो है नींबू पुदीने का शरबत। ये बहुत टेस्टी होता है गर्मियों में, इसे पीने से लू भी नहीं लगती है और पेट में ठंडक भी रहती है, तो ये गर्मियों का स्पेशल ड्रिंक है। इसके लिए मैंने हाफ कप पुदीना पत्ता लिया है। इस पुदीने पत्ते को मैंने पहले भी धुल लिया था, लेकिन जब ड्रिंक बनाया ना उस समय बाउल में अच्छा पानी ले और उसमें इसे भिगो कर 2 मिनट छोड़ दे और इसके बाद पत्तों को ऊपर से छान ले। इनके सारे रस जो भी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। हल्का सा हिला के इन्हें ऊपर से निकाल कर और इन पत्तों से जितना पानी एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ कर निकाल दें और ऐसे पत्तों को ले लेंगे तो जो भी डस्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। अब मैंने पत्तों को अच्छे से निचोड़ लिया और देखिए ये हाफ कप हमारा पुदीना पत्ता है। मैं अब इसे एक बाउल में डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूंगी और ये हमारा पुदीना पत्ता पीस कर तैयार है। अब मैं यहाँ 4 से 5 टीस्पून मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो शुगर पाउडर, चीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं पीस कर तैयार कर ली। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी क्योंकि पुदीने के पत्ते पीसने पे भी थोड़े से लम्ब्स जैसे रहते हैं, तो उसे छान लेंगे वो ड्रिंक में जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। शुगर सिरप अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप जितना शुगर लेते हैं उतना ही चीनी लीजिए। जैसे 1 कप चीनी 1 कप पानी लेकर कढ़ाई में बस उबाल लीजिए, चाशनी में नहीं बनाना है, बस एक गाढ़ा सब घोल घुल जाए, चीनी घुल जाए तो शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाता है। और इसे मैंने छान लिया और यह हमारा पुदीने का जो पल्प है उसका रस मिल गया हमको जूस। अब मैंने एक नींबू लिया, इसे थोड़ा सा रगड़ कर मैं इसे पहले साइड से किनारों को कट कर दूंगी और फिर इसमें से ना मैं पतले पतले स्लाइस करके निकाल दूंगी। ऐसे हल्का सरकर देने से ना इनकी स्लाइस पतली पतली अच्छे से निकल जाती है और ये ना जो नींबू होते हैं इनमें से बहुत जूस आराम से निकलता है और ज़्यादा निकलता है ऐसे थोड़ा सा रब कर देने से। और देखिए मैं इसे ऐसे पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी। इसे मैं ड्रिंक में यूज करने वाली हूँ, तो इसे 3 से 4 स्लाइस में काट कर तैयार कर लूँगी और किनारे वाले नींबू का मैं ड्रिंक में नींबू निचोड़ दूँगी और उनका इस्तेमाल कर लूँगी उनके रस का। अब इतने जूस में 2 ग्लास हमारे शरबत बनकर तैयार होंगे। जो ये हमने पुदीना लिया था हाफ कप उससे 2 ग्लास हमारे बनेंगे। तो मैंने दोनों ग्लास में जूस को डाल दिया पुदीने के रस को और इसमें ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड बनाने के लिए मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ। 4 से 5 आइस क्यूब मैंने दोनों में डाला। इसके बाद मैं यहाँ 1/2 टीस्पून चिकन जी पाउडर डाल रही हूँ दोनों ग्लास में, 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो भुना जीरा पाउडर या चाट मसाला डालकर भी बना सकते हैं, ऐसे भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन शिकंजी डाल देने से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये शिकंजी नींबू पुदीना पानी बनकर तैयार हो जाता है हमारा। अब मैं यहाँ 1/2 नींबू ली हूँ और 1/2 नींबू को मैं इन दोनों ग्लासों में निचोड़ दूंगी। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून दोनों में डाल रही हूँ, मतलब 1/2 नींबू दोनों में निचोड़ा। अब मैं इसमें बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डाल रही हूँ जिससे हमारा ड्रिंक बिल्कुल चिल्ड बनकर तैयार हो। तो मैंने दोनों ग्लासों में पानी से इनको भर दिया और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि शिकंजी पाउडर, नींबू का रस और हमारा ये ड्रिंक अच्छे से घुल जाए, सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने यहाँ नींबू की जो स्लाइस बना के रखी थी वो डाल दिया और 1-2 पुदीने पत्ते डाल दूँगी। ऐसे इसमें टेस्ट और अच्छा आ जाता है नींबू की स्लाइस डालने से, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और पीने में भी। इनके ऊपर मैं थोड़ा सा डेकोर करने के लिए नींबू की स्लाइस लगा रही हूँ और अब हमारा ये ठंडा ठंडा ड्रिंक बनकर, नींबू पुदीना शरबत बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।